जोहार नमस्कार। आज हम लोग खड़े हैं कैलाश वेंकटेश होटल एंड बैंक्वेट में, जहाँ पे ये एक ऐसा बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, लाइक स्विमिंग पूल है, रूम्स की सुविधाएं हैं और सारा वातानुकूलित हैं। यहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं, अपना मैरिज कर सकते हैं, लाइक पार्टीज कर सकते हैं। यहाँ का मैरिज हॉल है, काफ़ी बड़ा मैरिज हॉल है, जो हम अपने दर्शकों को दिखलाना चाहते हैं कि हम लोग इसके अंदर एक मंडप है। मंडप में बहुत सारे सुविधा दिया गया है, जो सुविधा एक पब्लिक को चाहिए वो सुविधा यहाँ पे आके वो आराम से रात में अपना शादी कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। ये बैंक्वेट हॉल दूसरे जगह से काफ़ी अच्छा बैंक्वेट हॉल है, ठीक है। रामगढ़ का बहुत अच्छा बैंक्वेट हॉल अभी बना है। आइए दर्शकों से पूछते हैं कि यह मैरिज हॉल इनको कैसा लग रहा है। ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र बन चुका है और आज इसका सबसे बड़ा चीज़, आज इसमें पहली शादी होने वाली है, तो इसका खुशी क्या है ये जानना चाहते हैं अपने दर्शकों से। कैसा लग रहा है इस मैरिज हॉल में आकर? ये जो रामगढ़ में कलश वेंकटेश मैरिज हॉल जो बना है, ये एक तरह से रामगढ़ के लिए कह सकते हैं कि गौरव की बात है। हम लोग रांची या और भी बड़े बड़े नगर में जाते थे, शादी विवाह समारोह में कभी कभी शामिल होने का मौका मिलता था, तो इस तरह का स्ट्रक्चर, इतनी सुविधा हम लोग को बड़े बड़े शहर रांची में, टाटा में, इस जगह में देखने को मिलता था। रामगढ़ में ये पहला ऐसा है जो इतनी सुविधा के साथ और बहुत ही अच्छे, मेरे घर का ही शादी आज है और मैं इस मतलब यहाँ का जो भी है सिस्टम, इतना खुश हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा है और सही, सारा चीज कैसा सही है कह सकता हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। रामगढ़ में दूसरे मैरिज हॉल के कंपेयर में ये मैरिज हॉल आपको कैसा लगा? रामगढ़ में बड़ा मैरिज हॉल है ही नहीं, जो भी है इसी तरह से। यहाँ पर क्या है कि साथ में हमारे होटल का भी सुविधा मिल रहा है, आज मेरा बारात को ठहरना है तो मुझे दूसरी जगह जाना नहीं पड़ रहा, इसी के अंदर मैं बारात को ठहरा सकता हूँ, यहीं पर मेरा सारा शादी हो जाएगा। विवाह मंडप इतना सुंदर बना हुआ है, हॉल इतना बढ़िया बना, फुल्ली एसी बना हुआ है। कहने का ये मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिल रहा है ना? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर अपनी मतलब भतीजी की मेरा शादी है
और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर मेरा भतीजे की शादी हो रहा है। आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार प्रियदर्शी। और आइए दर्शकों से जानते हैं कैसा लग रहा है मैरिज हॉल। आपका नाम क्या हुआ? दीपक मिश्रा नाम हुआ। रामगढ़ में सच में मैरिज हॉल आज ओपनिंग हो रहा है। अभी तक रामगढ़ में मैरिज हॉल था ही नहीं। रामगढ़ के पूरे लोगों को एक बार आना चाहिए। बहुत अच्छा है, पार्किंग का व्यवस्था है, सारा व्यवस्था है, जो भी चाहिए हर कुछ से तैयारी बहुत अच्छा है। एक अलग चीज़ लगा यहाँ, स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल कैसा लगा? बहुत सुंदर, बताए तो। अभी तक था ही नहीं रामगढ़ में मैरिज हॉल, जो था मैरिज हॉल के नाम पे छोटा मोटा कर लिया था। रामगढ़ में पहला मैरिज हॉल कोई खुला है, आज ये खुला है। आइए यहाँ के कारीगरों से जानते हैं कि ये मैरिज हॉल कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? ऐसा मैरिज हॉल और है क्या रामगढ़ में? आप लोगों का बहुत जगह काम करने के लिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काम करने में अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा फैसिलिटी है जो नहीं है, जो नहीं दिया जा रहा है? बढ़िया है, सब चीज़ ठीक है। लोग कैसे हैं यहाँ के? मैरिज हॉल के स्टाफ सारे कैसे हैं? ठीक है स्टाफ। लगा यहाँ पे एक दर्शक और हैं, कैसा लग रहा है आपको ये मैरिज हॉल? ये मैरिज हॉल बहुत अच्छी है, रामगढ़ का सबसे टॉपर। और मैं राम स्वरूप हलवाई कुकिंग, इस बैंकेट मैरिज हॉल में हर चीज़ का हम लोगों को अच्छी सुविधा मिली है। लेटरिन बाथरूम किचन, और मैरिज हॉल देखने में भी बहुत खूबसूरत है। किसी तरह का सुविधा हम लोग को नहीं मिला, बहुत अच्छी है। लोगों को क्या कहना चाहते हैं? ऐसी फैसिलिटी रामगढ़ में और कहीं है क्या? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इनका कहना है कि रामगढ़ में ऐसी फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगी। तो आप आए एक बार और देखें यहाँ के मैरिज हॉल को, कैसा मैरिज हॉल है, ताकि आप भी समझ पाएं ये मैरिज हॉल, ये जो मैरिज हॉल है आधुनिक सुविधाओं से काफ़ी तरह से लैस है। सबसे बड़ा चीज़ है इसमें स्विमिंग पूल है, जो स्विमिंग पूल यहाँ के मैरिज हॉल में देखने को अभी तक नहीं मिली है दर्शकों को, जैसा दर्शकों का कहना है। ये यहाँ का स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है जहाँ पे जो स्विमिंग पूल बनाया गया है, ये काफ़ी लंबा और काफ़ी चौड़ा स्विमिंग पूल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्विमिंग पूल बनाया है। इसमें सारी सुविधाएं हैं जो जो यहाँ के लोग हैं रामगढ़ के, वो जब यहाँ आएंगे तो ये स्विमिंग पूल देखने में उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, और काफ़ी अच्छा स्विमिंग पूल बना है। आइए और दर्शकों से जानते हैं उनको कैसा लग रहा है ये। आपका नाम? राजीव रंजन प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी। कैसा लग रहा है सर ये बैंकवेट हॉल आपको? ये पूरा रामगढ़ के लिए कह सकते बहुत यूनिक चीज़ है। वर्षों से इस तरह का एक मैरिज हॉल और बैंकवेट हॉल की आवश्यकता रामगढ़ को थी। निश्चित तौर से जो भी व्यवस्थापक इसके हैं उनमें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने रामगढ़ को एक ऐसा बैंकेट हॉल दिया है। इसके लिए लोगों को रात ही आना जाना पड़ता था, अब इसके बन जाने से लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत ही रिजनेबल रेट यहाँ पर रखा गया है, और व्यवस्थापक से ही ये जानकारी मिली है कि गरीब बच्चियों के लिए अलग से व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ का जो दृश्य है, ये जो बना हुआ आपके सामने में, वो भी बहुत ही अद्भुत है। और ख़ास करके जो हॉल बना है, इतना बड़ा हॉल रामगढ़ में नहीं है। पहली बार ऐसा हॉल देखने के बाद हर तरह की गतिविधि, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, वैवाहिक हो, सबके लिए एक मील का पत्थर। ऐसा भी रिकॉर्ड जो है वो रामगढ़ में नहीं है। नहीं, आपके कहने के अनुसार रामगढ़ में नहीं है। जी नहीं। तो इनके कहने के अनुसार रामगढ़ में ऐसा रिसॉर्ट नहीं है, और दर्शकों से गुंजाइश है कि एक बार जरूर इस रिसॉर्ट में आए और रिसॉर्ट को कम से कम देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा ये कितनी अत्याधुनिक तरीके से लैस है, और यहाँ पे कितनी सारी सुविधाएं दी जा रही है, और गरीब के लिए एक अलग सुविधा दी जाएगी जो यहाँ के ऑनर और डायरेक्टर्स शेयर करेंगे जब आप आइएगा यहाँ पे। तो सारे लोगों के लिए ये सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है। और रामगढ़ की जनता को बहुत अच्छा सौगात मिला है इनके द्वारा, जो रामगढ़ की जनता इसे यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद, जोहार। मैं हेमंत कुमार, रामगढ़ झारखंड। कलश वेंकटेश मैरिज हॉल होटल एंड बैंकेट की सुविधा है हमारे यहाँ, और रामगढ़ में एक बेहतर
सुविधा के साथ आप लोगों के लिए सेवा में या होटल एंड बैंक्वेट बनाया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वो सारी तमाम सुविधाएं मिलेगी जो एक शादी में बड़े बड़े माहौल में लगते हैं। हमारे यहाँ होटल में 15 से 20 रूम की सुविधा है जिसमें एसी एंड नॉन एसी दोनों है एवं 13,000 स्क्वायर फीट में हमारा एक बैंक्वेट हॉल है। साथ ही साथ हमारे मैरिज हॉल में 20,000 स्क्वायर फीट का लॉन एरिया है और हमारे यहाँ एक बड़े पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। हम रामगढ़ जिला में एक नई उपलब्धि के साथ अपनी हाजिरी को अपनी स्थिति को पेश किए हैं। एक सौगात रामगढ़ जिला को हम दिए हैं जो हमारे रामगढ़ जिला में एक विशाल शादी समारोह या आयोजन करने के लिए लोगों को जिला से बाहर जाना पड़ता था और काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था और बहुत अत्यधिक कीमत उनके लिए उनको भुगतान करना पड़ता था जिनसे हमारे रामगढ़ जिला वासियों को काफ़ी परेशानी का सामना सदा करते आना पड़ा। हम उनके बिहाफ में रामगढ़ में एक विशाल बैंक्वेट एंड होटल की स्थापना किए हैं जिसका नाम कलश बैंक्वेट्स होटल एंड बैंक्वेट है। यह पूरे लगभग 50,000 स्क्वायर फीट में निर्मित है स्थापित है जिसमें 13,000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट का कंप्लीट एरिया है। फुल्ली वातानुकूलित है, एसी है, महिलाओं के लिए शौचालय की उत्तम सुविधा है, पुरुष के लिए इसमें पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। काफ़ी मात्रा में टॉयलेट बाथरूम यूरिनल की व्यवस्था रखी गई है। एक खास चीज़ों में जो किसी ने इसके ऊपर अपना ध्यान आकर्षण नहीं किया लेकिन समस्याओं को देखते हुए हमारी कंपनी के द्वारा हमारे सभी डायरेक्टर के द्वारा ये विचार रखा गया कि हम इस बैंक्वेट के एकदम साथ लगे हुए एक सुंदर सा मंडप स्थल दें जहाँ विवाह फिरा समय हम सनातन धर्म के लोगों को समय अवधि के अंतर्गत विवाह का संपन्न किया जा सकता है। हमारे मंडप से सटा हुआ वर पक्ष और वधु पक्ष के लिए सुसज्जित कमरा भी है जो कि वातानुकूलित है। एक सुंदर सा आकर्षण हमारे बैंक्वेट हॉल के अंदर में स्टेज है जिसपे आप सभी प्रकार का शादी पार्टी मीटिंग कॉन्फ्रेंस या एनी टाइप फंक्शन विशाल कर सकते हैं जो रामगढ़ में लोगों का एक सपना था जिसको हमारी सरकार की है। हमारे बैंक्वेट के अंदर में एक बसा एक बड़ा सा आकार दिया है किचन का रसोई का जो हमारे तमाम रसोई के कारीगर अपनी कुशल कारीगरी के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनको उनके बारे में कोई ख्याल नहीं करता था। हम उनके लिए विशाल किचन और किचन के साथ में सुंदर सा प्यारा सा लैट्रिन बाथरूम सुसज्जित करके दिए हैं ताकि उनके भी मान सम्मान का सदा ख्याल बना रहे जो कि उनके प्रति कोई नहीं ध्यान रखते थे अपने ध्यान को आकर्षण नहीं करते। हमारे कैंपस के अंदर में लगभग 25,000 स्क्वायर फीट का खुला आसमान के नीचे गार्डनिंग की व्यवस्था रखी गई। वह गार्डनिंग आकर्षण का रूप बनेगा रामगढ़ का और उस गार्डन के अंदर में रामगढ़ के इतिहास रामगढ़ के पावन धरती पे बैंक्वेट में पहली बार हम सभी ने स्विमिंग पूल का भी स्थापना किया है जो आज कीर्तिमान है। हमारे इस बैंक्वेट में विभिन्न प्रकार के विभिन्न राज्यों के पूरे भारत का सकते पूरे भारत के विभिन्न राज्यों के कुशल कारीगर के द्वारा निर्माण कराया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ उड़ीसा हरियाणा दिल्ली हैदराबाद यूपी और बंगाल के कुशल कारीगरों द्वारा निर्माण कराया गया है और आज आपके बीच स्थापित है। हमारे बैंक्वेट में जो आज यातायात की समस्या जाम की समस्या से निजात रखने के लिए 50 चार पहिया वाहन की पार्किंग की सुलभ व्यवस्था रखी गई है जिसमें हमारे कुशल गार्ड के द्वारा सुरक्षाकर्मी के द्वारा सुसज्जित ढंग से आपकी गाड़ी को पार्किंग कराया जाएगा इसकी व्यवस्था की गई है। हमारे बैंक्वेट तमाम रूप से वातानुकूलित है, आप जब चाहे जैसा चाहे आपके अनुसार हमारे तमाम बैंक्वेट के डायरेक्टर आपके लिए सेवा में तत्पर है और रामगढ़ के लिए एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए सदैव आपकी सेवा में तैयार है।
धन्यवाद। और HETV आवाज ने अपनी आज बात को जनता के बीच रखने के लिए हमारे बीच आए हैं। आपके टीम के समस्त कर्मी को और आपके समस्त टीम को मेरे ओर से कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। जय झारखंड।